हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं और टॉपिक है एसीबी में सीटी कहाँ पर लगी होती हैं और सीटी को हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये मेरे पास सीमेंस मेक का एसीबी ब्रेकर है और आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि एसीबी के अंदर हमारी सीटी कहां पर लगी होती है और सीटी को कैसे टेस्ट करते हैं। सीटी यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों, हमने एसीबी को आपको प्रॉपर दिखाई देता हूं। ये हमारा, दोस्तों खोलिए जरा इसे, ये नीचे की तरफ हमारे एसीबी में जो सीटी होती है, इसको हटाइए, जाली टाइप की जो लगी हुई है निकालिए। इस तरह से ये निकलती है, इस तरह से धीरे धीरे इसे निकालिए। और दोस्तों, ये हमारा फोर पोल का एसीबी ब्रेकर है। इनको थोड़ा, वायर को ऐसे इस तरह से निकालिए, सभी को निकालिए, निकालो। एक, दो, तीन, चार, आप देख सकते हैं L1 यानी R और ये L2 है Y और ये L3 यानी कि B और ये हमारा न्यूट्रल फेस की CT है। अब हम इनको चेक करना बताएंगे आप लोगों को। इसको कनेक्टर को खोलिए, और क्लैम्पर लाइए, इसको कंटिन्यूटी पे सेट करें क्लैम्पर को, और हमको देखना होगा ये हमारे दो वायर आर के हैं और दो वायर हमारे अलग कोर के हैं, तो हमें इसमें और इसमें कंटिन्यूटी चेक कीजिए। नहीं, इसमें दोस्तों, आपको एक सेकंड इधर दिखाई देता हूँ, बीप सुनाई दे रही होगी। इस तरह से दोस्तों ये हमारी सीटी, अब दूसरे पॉइंट पे लगाइए और ये भी हमारी वैल्यू बता रहा है। तो ये सीटी हमारी न्यूट्रल वाली जो है सही है। इसको कनेक्टर को लगा दीजिए। तो दोस्तों, आप भी आसानी से अपने एसीबी की सीटी टेस्ट कर सकते हैं। अब आर फेस की सीटी टेस्ट कीजिए। ये हमारे इधर ऐसे रखिए कनेक्टर को और दोस्तों आपको बीप सुनाई दे रही होगी। और अब इन दोनों पॉइंटों में नीचे की तरफ लगाइए और ये भी हमारी रीडिंग आ रही है, ये भी सीटी हमारी ओके है। कनेक्टर को लगा दीजिए। लगाइए, कैसे लगाओ, लगाओ, गलत लगा रहे हो आप। इस तरह से कनेक्टर को सही लगाइए। अब हम वाई फेस की सीटी को टेस्ट करेंगे। नहीं, उसमें नहीं, ये चेक करो पहले,
वाई की चेक करो, ये थोड़ा अंदर है, वाई का कनेक्टर निकालिए और थोड़ा सा ये इसका वायर थोड़ा छोटा है, आराम से इसके देखो दोनों कनेक्टरों में टेस्ट करो। लगाइए आराम से, सामने सामने के दोनों में लगाइए, सामने सामने लगाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो वाई फेस है, वाई फेस की जो सीटी हमारी कंटिन्यूटी, कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रही। और इसमें ही दूसरे उसमें लगाइए, इसमें वैल्यू हमारा कुछ वैल्यू बताइए। और ऊपर के कनेक्टर में हमारी कोई वैल्यू नहीं बताई। ये हमारी वाई फेस की जो सीटी है वो फॉल्टी है। लगा दीजिए कनेक्टर को, अब बी फेस की सीटी को चेक करिए। ये जो आर आर वायर है इस तरह से, जो जिधर आर आर है, ये देखो दोस्तों आपको बीप सुनाई दे रही होगी। और नीचे की तरफ लगाइए और नीचे की तरफ भी हमारी ये वैल्यू बता रहा है। तो दोस्तों इसमें जो हमारी ये वाई फेस की सीटी है, ये वाई फेस की सीटी हमारी खराब हो गई है। दोस्तों जैसा कि हमने आपके सामने लाइव चेक किया है, ये वाई फेस की सीटी हमारी खराब है और इसी की वजह से ये हमारा जो एसीबी ब्रेकर है ये बार बार ट्रिप कर रहा था। और ये जो हमारी डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे भी हमारा कोई फॉल्ट नहीं आ रहा था। और ये जो हमारी इस तरह से हम काफ़ी परेशान थे और ये पता नहीं चल रहा था कि ये एसीबी हमारा बार बार ट्रिप क्यों कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगी और आप भी आसानी से क्लैम मीटर मल्टीमीटर की मदद से अपने एसीबी ब्रेकर की सीटी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि मैं भी कई दिन से परेशान था, इसलिए मैंने इसको आज प्रॉपर चेक किया है ब्रेकर को कि इसमें क्या दिक्कत है, कि ये क्यों बार बार ट्रिप कर रहा है। तो दोस्तों बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद जय भारत।